हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट लता। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने चंडीगढ़ के ट्रिप का कुछ क्लिपिंग्स जो कि मैंने साकिर रोज़ गार्डन में बनाई है। ये रोज़ गार्डन इंडिया के प्रेसिडेंट श्री साकिर हुसैन के नाम पे रखा गया और ये गार्डन जाना जाता है अपने रोज़ेस की वेराइटीज़ की वजह से। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लगभग 32,500 पौधे यहाँ पे हैं, उनमें 825 वेराइटीज़ यहाँ पे सिर्फ गुलाब की हैं। 4,000 एकड़ के लैंड पे ये बना हुआ है चंडीगढ़ में। कभी भी आप चंडीगढ़ आएँ अपनी फैमिली के साथ या किसी सरकारी काम से तो इस गार्डन में आना ना भूलिएगा। बहुत सुंदर ये गार्डन है, बहुत साफ़ सुथरा ये रखा हुआ है, मेंटेनेंस तो आप देख ही सकते हैं। और चंडीगढ़ जैसा शहर है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, अपनी सफाई, डिसिप्लिन और परफेक्शन के नाम से मशहूर है पूरे इंडिया में। और रोज़ेस की वैरायटी मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। जितना भी मुझसे हो सका मैंने रोज़ेस कैप्चर करे हैं, डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पे और सभी के सभी पौधे काफ़ी हेल्दी हैं। हर रोज़ के जो कलर के पौधों के लिए अलग अलग रोज़ बेड बनाए हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको सिर्फ मरूनी कलर के पौधे मिलेंगे। दिसंबर की आज है 4 तारीख 2022। किसी सरकारी काम की वजह से आज हमें यहाँ पे, कुछ दिनों पहले हम आए थे, आज हमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में अपीयर होना था। मेरी यहाँ पे पेशी थी तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा मन उदास था, दिमाग भी थोड़ा गर्म था क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले आप तो जानते हैं कि अच्छे नहीं होते हैं। तो वापस जब कोर्ट से हम आए, हालांकि मन में संतुष्टि थी, ऐसा कोई हमने चोरी चकारी का काम नहीं किया है, बट स्टिल फिर भी हमें लगा कि हम यहाँ पे आके बैठते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है, रोज़ेस को तोड़ना सख्त मना है, 500 रुपये का फ़ाइन लग जाता है। और आप देख पा रहे होंगे कितने हेल्दी हैं रोज़ेस, कितने सुंदर हैं। कई फैमिलीज़ यहाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, रादर हर किसी को जब भी टाइम मिलता है या काफ़ी स्ट्रेस से भर जाते हैं तो लोग यहाँ आके बैठते हैं। सामने ही रोड के उस तरफ सेक्टर 17 है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिस हैं सरकारी, तो वहाँ के कर्मचारी भी खासकर सर्दियों में जब उनको लंच लेना होता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं पे आके अपने टिफिन लेके आते हैं, यहीं खाना खाते हैं। और कुल मिला के रिलैक्सेशन के लिए और अपने माइंड को पीस देने के लिए, रोज़ेस की ब्यूटी इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है। तो मैं आपसे बता रही थी कि आज हम कोर्ट में गए और मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस ही हमें महसूस हुई, तो उसका रीज़न यही था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हम कोविड महामारी से सभी लोग बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, लगभग हर परिवार में ऐसा हुआ है कि डेथ्स हुई हैं। इसी दौरान मेरे पापा की भी डेथ हो गई, ग्रैंड मदर की भी। तो मुझे आज डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में सीनियर डिवीज़न के जज साहब के सामने उपस्थित होना था और आज हम, मेरे वकील, जज साहब और मैंने मिलकर के एक पेपर पे साइन किए जिसमें कि उन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला लिया है कि अपने पिताजी की जो 6 लाख की पेंशन SBI में मौजूद है उसमें मेरा भी 50% शेयर है। तो आज उसी सिलसिले में मुझे बुलाया गया था, फिज़िकली मुझे अपीयर होना था। वकील साहब पहले से ही केस देख रहे थे तो बस मैं दस्तखत करने गई थी, जज साहब से मिली थी। काफ़ी मन उदास हुआ क्योंकि जहाँ कोविड में हमने अपनों को खोया, वहाँ पे ही कुछ बुरी नीयत वाले धूर्त लोगों को दूसरों की संपत्ति हड़पने के भी मौके मिल गए। माँ और मेरे भाई की मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी है, घर में केवल पिता और दादी थे, तो महामारी में उनकी भी डेथ हो गई, जिसका फ़ायदा मेरी विडो भाभी को हुआ। उन्होंने सारे के सारे करोड़ों की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली और जो विल थी पिताजी की उसमें भी कुछ मैनिपुलेशंस कर ली क्योंकि उस समय वही पास थी, और उनकी फटाफट से क्रिमेशन भी कर दी थोड़े से रिश्तेदारों के प्रेजेंस में, कुछ आए कुछ नहीं आए। मैं भी कोविड की वजह से ग्रस्त थी और ICU में मैं अक्सर आती जाती थी और ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थी, इसलिए मैं भी नहीं पहुंच सकी। तो उसने जाकर के जो आखिरी 6 लाख रुपए बचे थे पापा की पेंशन के, उसके लिए मुकदमा दायर कर दिया कि वो ही उत्तराधिकारी है और मेरा उसने गलत सा एड्रेस दे दिया जिस पे कि उस एड्रेस पे समन्स जा रहे थे और मुझे मिल नहीं रहे थे। लेकिन ईश्वर सबसे बड़ा जज होता है,
कहीं से मुझे पता चला कि चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज साहब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं एक साल पहले यहाँ आई थी, उस समय मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि पेशे से मैं डॉक्टर हूँ और मरीज़ों से ही मुझे कोविड हुआ और मैं पूरे 2.5 साल बीमार रही। फर्स्ट वेव में ही मैं बीमार हो गई, तो उसके बाद इम्यूनिटी लो पे लो होती गई। बड़ी मुश्किल से मेरा जीवन बचा, खड़ी भी नहीं हो पाती थी कि मुझे कोर्ट में आना पड़ा। और जज साहब भी इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो गलत सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते थे कि केवल मेरी भाभी ही उत्तराधिकारी है। मैं उनकी भी मजबूरी समझती थी, तो बड़ी मुश्किल से मैं आई वहाँ पे। मैंने अपने पिता की बेटी होने के सारे डॉक्यूमेंट्स उनको पेश किए और फिर मुकदमा चला। 5-6 हियरिंग्स हुई जिसमें कि उनके वकील कभी आए कभी नहीं आए। फाइनली आज दोनों वकील आए और जज साहब ने मेरे से भी कुछ साइंस लिए और कुछ दिनों के बाद, 2-3 महीनों की कार्यवाही के बाद मुझे मेरे पिताजी के 3 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि मेरे लिए ईश्वर के प्रसाद के समान है। क्योंकि ये 3 लाख रुपया मुझे ईश्वर ने ही दिलवाया है, इंसान ने तो सब छीन लिया था। तो होप करती हूँ आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जीवन में, सदा खुश रहिए।